प्यारे सत्य के खोजियों, अब सबको शुभेच्छा। हैवी थॉट्स। अब बात आती है कि सुकड़ा हुआ इंसान और खुला हुआ इंसान, इसके बीच में जो गैप है, ये कैसे भर जाए। सुकड़ा हुआ यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध, ऐसा हो रहा नहीं, ऐसा हो रहा नहीं, कुछ तो रोक रहा, रुके रुके, ये आए नहीं, नजदीक नहीं आए, दूर हो। तो ये सुकड़ा हुआ और ये खुला हुआ। अब इन दो, अभी हम यहां हैं, हमें यहां पहुंचना है, बीच में गैप है। इस गैप को भरने के लिए एक मंत्र है जो हम रिपीट करने वाले हैं। रिपीट करेंगे कब? जब हम सुकुड़ने लगे तब, जब दुख की घटना हो तब, जब परेशानी का विचार आए तब, तब ये मंत्र इस्तेमाल करना है। मंत्र क्या है? सिंपल सा मंत्र है, सिर्फ ये इशारा किया आपने तो ये मंत्र हो गया, सिर्फ उंगलियों को इस तरह किया तो ये मंत्र हो गया। ये उंगलियां इस तरह क्या दिखा रही? ब्रैकेट। हम कोई चीज ब्रैकेट में लिखते हैं तो इस तरफ भी ऐसा करते, इस तरफ भी ऐसा करते, उसको कहते ब्रैकेट। तो खाली आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, जब भी कोई घटना हो दुखद, जब भी किसी ने परेशान किया, अंदर से विचार आया परेशानी का, डर आया, कोई भी घटना अंदर से आई हुई या बाहर से आई हुई, तो अपने आप को खाली ये सवाल पूछना है, ये मंत्र दोहराना, क्या मैं यह स्वीकार कर सकता हूं, क्या मैं यह स्वीकार कर सकता हूं। कैन आई एक्सेप्ट दिस, कैन आई एक्सेप्ट दिस, क्या मैं यह स्वीकार कर सकता हूं। ब्रैकेट में यह, यानी जो भी ब्रैकेट में है, समझो इस वक्त आपको कहा गया कि अब 2 घंटे और प्रवचन चलने वाला है, अरे बाप रे हम तो बोल करनी है, कुछ शुरू हो जाए, क्या मैं ये स्वीकार कर सकता हूं। पूछोगे क्या मैं ये स्वीकार कर सकता हूं, एक सवाल अपने आप से पूछोगे। घर गए, घंटी बजाई, जल्दी कोई दरवाजा ही नहीं खुल रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है ना, अरे दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, क्या मैं यह स्वीकार कर सकता, दरवाजा देरी से खुले, क्या मैं ये स्वीकार कर सकता हूं। ये ब्रैकेट है, जो भी घटना हो रही हो, जो भी हो रहा हो, आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई आपके ऊपर हंसा चला गया, अब बुरा लग रहा है, अरे मेरे ऊपर हंसा, मुझे ऐसा कहा, तो सिर्फ अपने आप से अंदर ही पूछना, क्या मैं यह स्वीकार कर सकता हूं। यह यानी मुझ पर हंसना, ब्रैकेट में मुझ पर हंसा, क्या मैं ये स्वीकार कर सकता हूं। फला पर्सन को काम दिया, उसने किया ही नहीं, बड़ा गुस्सा आ रहा, क्या मैं यह स्वीकार कर सकता हूं। खाली बस ये इशारा जो किया, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इशारा है कि क्या ये स्वीकार कर सकता हूं। जो भी चल रहा है जीवन, स्वीकार करते ही किनारा मिट गया, किनारा मिट गया, जो पानी है विलीन हो गया, दुख विलीन हो गया, दुख को किनारा दोगे जमा होगा, जमा होगा, जमा होगा, क्योंकि हम रेजिस्ट कर करके जमा करते दुख, उसको विलीन होने नहीं देते। टेलीफोन किसी को लगा रहा है, घंटी बज रही है और उठा रहा नहीं है, उसको पर्सन गुस्सा आ रहा है, अरे उठा रहा क्यों नहीं रहा है, जल्दी उठा क्यों नहीं रहा है। अपने आप से पूछना, क्या मैं यह स्वीकार कर सकता, यह यानी टेलीफोन जल्दी न उठाना, टेलीफोन जल्दी न उठाना, क्या मैं यह स्वीकार कर सकता हूं। जवाब आएगा यस, जवाब आएगा यस, छोटी घटना में तो 100% घटनाओं में यस जवाब आएगा, छोटी छोटी बातों में, बहुत सुबह से देखो रात तक कितनी बातें होती छोटी छोटी जो पसंद नहीं आती है, तो घंटी बज रही, सामने वाला उठा रहा नहीं, क्या मैं स्वीकार कर सकता, यस, फिर आप आराम से फोन पकड़ के बैठे हो, यस बोलने के बाद 1, 2, 3 आराम से गिन रहे हैं कितनी बार की बात उठाता है। स्वीकार करने के साथ ही मजा आ रहा है इसका, क्योंकि रेजिस्टेंस खत्म हो गया। देखो एक ट्रेन से लोग यात्रा करते हैं, बच्चे भी होते, बड़े भी होते, बूढ़े भी होते, जब ट्रेन से उतरते हैं लोग तो बड़े थके थके महसूस होते, बहुत टायर्ड, अरे किया क्या ट्रेन में बैठ के, किया तो कुछ भी नहीं, और बच्चे फ्रेश होते वो स्टेशन पर उतर के नाचते, इधर भागते उधर भागते, क्यों बच्चे क्यों है, क्योंकि जब ट्रेन आगे धक्का दे रही थी तो आगे हो रहे थे, जब पीछे धक्का दे रहे तो पीछे हो रहे थे। मगर बड़ा इंसान क्या कर रहा था, जब आगे धक्का दे रहे तो पीछे हो रहे थे, पीछे धक्का तो आगे हो रहे थे।
तो बच्चों में कैसा था वो स्वीकार ऑटोमेटिक है बच्चों में, क्योंकि वो अभी केंद्र के नजदीक है, सेंटर के नजदीक है, हार्ट के नजदीक है, तेजस्थान के नजदीक है, तो मजे से स्वीकार करते हैं, तो मजा आता है, आगे हो गया, अरे वाह, और पीछे हो रहे हैं, आगे हो रहे, मजा आ रहा है, तो बड़ा बोलता अरे नहीं आगे कर रहा था, मुझे पीछे होना चाहिए, ये स्वीकार नहीं, ये भी स्वीकार नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पूरी देर यात्रा, पूरी जीवन की यात्रा ऐसे ही बीत जाती है। खाली ये मंत्र दोहराना, मंत्र का एक सवाल है, क्या मैं यह स्वीकार कर सकता, ये ब्रैकेट का सिंबल है, कभी बोलने की जरूरत, सिर्फ ऐसा पूछोगे अपने आप से यस यस हो सकता है, सामने वाला पर्सन आ रहा है और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ यस। घर एक ही फैमिली मेंबर हो तो एक दूसरे को याद भी दिलाएंगे, भाई देखो किसको गुस्सा आ रहा है। करो स्वीकार करो, तुरंत सुकुड़न बन, नहीं के साथ ही सुकुड़ गए, हाँ स्वीकार, मैं स्वीकार, यस यस के साथ खुल गए, आराम से बैठे हैं, दो घंटे प्रवचन और चलेगा। जो तालियां बजा रहे वो खुश है बहुत। बाकी सब जरा सचमुच तो नहीं होगा ऐसा। तो यस, जैसे यस आया तो प्रॉब्लम है ही नहीं, नो आया तो क्या करना है, तब पॉज देना है, जब नो आए तो पॉज देना, उस वक्त क्या कहना, अच्छा ये अस्वीकार हो रहा है, पहले तो इस अस्वीकार को स्वीकार करता हूं, अस्वीकार को स्वीकार, नहीं हो रहा ना स्वीकार, ठीक है इसको तो स्वीकार करते, दुख आया है ना, ठीक है दुख को तो स्वीकार करते, दुखी रहते, मैं दुख पर दुख नहीं बनाएंगे, दुख आया क्यों दुख आया, नहीं आना चाहिए, तनाव आया क्यों तनाव आया, नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए, ठीक है तनाव आया ना स्वीकार, तनाव आया ना स्वीकार, गुस्सा आया है स्वीकार, अस्वीकार हो रहा है स्वीकार, अस्वीकार को भी स्वीकार, नहीं हो रहा है स्वीकार इसको भी स्वीकार, पॉज, यस के बाद कोई तकलीफ है ही नहीं, नो के बाद देना पॉज, पहले अस्वीकार को स्वीकार करना फिर पॉज, फिर थोड़ी देर के बाद वापस पूछना क्या ये स्वीकार कर सकते हो, फिर देखो यस आएगा, दो बार मन बोलेगा नहीं नहीं नहीं, चार बार बोलेगा नहीं नहीं नहीं, फिर पॉज देंगे, फिर पूछेंगे अभी स्वीकार आ रहा है अभी, तो देखोगे जल्द से जल्द उससे घटना से बाहर आओगे, पहले दिनों दिन महीनों महीने लग रहे थे, कुछ लोग तो बोलते फला पर्सन को मैं 7 जन्म नहीं भूल सकता, 7 जन्म तक वो स्वीकार नहीं कर पाते, और पॉज देके फिर से पूछते रहोगे ना यस आएगा, हम बेहोश हो जाते ना इसलिए यस आता नहीं, ये सवाल है जागृत करने के लिए, होश में लाने, सवाल इसलिए होते, फिर एक ही सवाल बचता है, अरे हम ऐसा स्वीकार करेंगे तो फिर क्या हम वैसे ही रह जाएं, कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं होगी, अच्छा ये काम नहीं कर रहा ठीक है स्वीकार है, नहीं करने दो, ये ऐसा कर रहा है नहीं करने दो, फिर तो कुछ काम हो गया ही नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे ही आप स्वीकार करते हो आपके दोनों हाथ खुल जाते हैं, जब हम अस्वीकार करते हैं हमने जैसे कि राइट हैंड बांध दिया पीठ पर अस्वीकार, और एक हाथ से फिर हम सॉल्व करते, प्रॉब्लम आया है अस्वीकार करते एक हाथ बांध देते फिर एक हाथ से सॉल्व करते, समस्या का समाधान पूरा नहीं होता, स्वीकार किया दोनों हाथ खुल गए, अब दोनों हाथ खोलकर समस्या को सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा, पहले क्या कर रहे थे एक हाथ बांध कर रहे थे, स्वीकार का अर्थ समझो, ऐसा नहीं कहा फिर कुछ मत करो वो चीजें वैसे ही रहने दो शिकायत मत करो, नहीं पहले स्वीकार करो फिर अब क्या कर सकते, दोनों हाथ खोलकर खुलकर, ये मंत्र के साथ क्या होगा, दोनों हाथ खोलकर खुलकर समस्या को सॉल्व करोगे, खुलकर खोलकर दोनों हाथों को खोलो, बाला स्वीकार के साथ दोनों हाथ खुल जाएंगे, ये उसका जादू है। ये सब बातें सुनकर यहां आकर जो आप सबने सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए थॉट्स।